अगर आपको लगता है ना कि ये ड्राइंग आपसे नहीं बन सकती, बात तो सच है, लेकिन अगर आप मेरी टेक्निक को फॉलो करते हैं ना तो बहुत आसान है। कौन कौन से आर्ट मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आपको? पेपर लगेगा 120 GSM, पेंसिल 4B एंड HB और ब्लेंडिंग टूल और इरेजर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले HB पेंसिल बिल्कुल ही लाइट चाहिए हमें। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं लाइटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट आ रहा है आपको लेफ्ट टॉप से। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाया हम लोगों ने, उसका शेडो जो है लाइट के अपोजिट साइड में हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू लाइट शेडो भी प्लेस कर दिया है। डार्कनेस, तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि हॉटस्पॉट क्या है। हॉटस्पॉट ये है जहाँ पे लाइट हिट कर रही है, वहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइट रहेगी। जैसे जैसे लाइट के अपोजिट साइड जाएगी ना, वो डार्कनेस बढ़ती जाएगी, यहाँ पे देख रहा हूँ। और इसको भी हम टेक्निक के साथ साथ हम जानेंगे इसके नाम भी क्या है। ग्रेजुअली ये जो लाइट जहाँ पे हिट कर रही है, जैसे जैसे पीछे की तरफ जाएगी डार्कनेस बढ़ती जाएगी। तो यही कुछ जो डार्कनेस है ना हम लोग यहाँ करना है, और ये एक टेक्निक है, ये एक एग्जाम्पल है जो हमें अप्लाई करना है जितने भी आर्ट वर्क हम लोग बनाने वाले हैं। इनफैक्ट इस ट्यूटोरियल में भी जो बनाने वाले हो, इसी टेक्निक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि एक शेड हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। कहाँ कहाँ पे डार्कनेस ज्यादा है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं मीडियम टोन, कहीं डार्क टोन, कहीं लाइट टोन, ये क्यों बना है, उसके पीछे का रीजन लाइट है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि शेडो जो बना है, शेडो इतना डार्क है, ग्रेजुअली वो कैसे डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है, उसका भी एक रीजन है। देख रहा हूँ ना कि ये डार्क से लेकर लाइट की तरफ जा रहा है, ये शेड जैसे हम बनाते उसको ही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। और यहाँ पे क्यों करना है, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा। ये हमारा लाइट के अपोजिट साइड का प्लेस है जहाँ पे शेडो एरिया होता है। शेडो एरिया जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे हमें डार्कनेस ज़्यादा देनी होती है, क्योंकि लाइट की इन्फॉर्मेशन कम होती है। जहाँ पे लाइट की इन्फॉर्मेशन कम होगी वहाँ पे ऑटोमेटिक डार्कनेस ज़्यादा होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बनाया है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जहाँ पे बॉल और फ्लोर मिलते हैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाने के बाद हम लोगों ने उसको डार्क किया। अब जान लेते हैं लाइटिंग के बारे में। जहाँ पे लाइट हिट कर रही है सबसे ज़्यादा उसको कहते हैं की लाइट। की लाइट वहाँ पे है, और जहाँ पे आपको शेडो दिखता है वहाँ पे हो जाता है फिल लाइट। तो फिल लाइट हम लोगों ने वहाँ पे किया। इसके बाद आ जाता है जो लाइट फ्लोर पे हिट करती है और बॉल पे बाउंस होती है, उसको कहते हैं बाउंस लाइट। तो ये जो एक बेसिक लाइट टेक्निक आपको बताया, आप बिगनर हो बस इतना ही जान लो, इस तरीके की लाइटिंग सेटअप को कहते हैं हम लोग लाइट रिग। तो ये लाइट रिग जो है हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर लिया, किस तरीके से हमें प्लेस करना है सब कुछ हमारा इस पे ही डिपेंड करता है। शेडिंग कैसे होगी सब कुछ लाइट पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ से आपको ना शेडिंग प्रॉपर आपको उसकी नॉलेज हो जाती है शेडिंग, क्योंकि हम उसमें लाइट भी ऐड करने वाले हैं। तो कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट से पहले तो एक सर्कल बनाओ, क्योंकि एक सर्कल को हम स्फीयर भी कहते हैं। वो स्फीयर बना लिया हम लोगों ने, और स्फीयर बनाने के बाद ना स्ट्रेट लाइन चाहिए आपको। स्टिल लाइफ बना रहे हो तो स्केल की हेल्प तो चलता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है एक क्यूब। क्यूब को एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने, और ये पर्सपेक्टिव में कैसे बनेगा आगे के ट्यूटोरियल में तो हमें पता चलेगा, लेकिन आप ये समझ लो ये जो मैंने बनाया है उस तरीके से आप बना लो, बाद के ट्यूटोरियल्स में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा मैं यहाँ पे। और ये बनने के बाद ना एक ट्रायंगल बनाए। तो शेप्स सारे बना लिए हम लोगों ने, जो बेसिक शेप्स जो होते हैं ना, सर्कल, क्यूब, और ये जो आप बन गया ना अभी ट्रायंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को हम लोग डार्क करेंगे, क्योंकि हमें स्टैंड आउट करना है हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट हम लोगों ने बनाए, उन सबको बनाए। और यहाँ पे क्या करना है आपको, ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ पे पेंसिल स्ट्रोक से ही हम लोगों ने सिर्फ इसको डार्क किया। और इसके बाद बारी आ जाती है फ्लोर की। तो फ्लोर कंपेयर टू बैकग्राउंड ये थोड़ा सा डार्क कम रहेगा, और जैसे जैसे वो लाइट के एरिया में आए, क्योंकि लाइट यहाँ से भी टॉप लेफ्ट से आ रही है, तो जहाँ पे आप देख रहे हो ना लाइट हिट कर रही है फ्लोर पे, वहाँ पे डार्कनेस कम है, और जैसे जैसे वो शेडो एरिया में जाएगा वो डार्कनेस बढ़ेगी। अब क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक टच भी देना है, तो हम लोगों ने मेकअप ब्रश का यूज़ किया है और उसको ब्लेंड कर दिया। और ये ब्लेंड करने के बाद, बैकग्राउंड को ब्लेंड करने के बाद, फिर हम लोगों ने फ्लोर जो है ना, फ्लोर को भी अभी कर लिया है ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के बाद थोड़े थोड़े टेक्सचर भी देना ज़रूरी है। जहाँ पे लाइट हिट कर रही है वहाँ पे ब्राइट, जहाँ पे शेडो है वहाँ पे हम शेडो देंगे। और यहाँ पे देख रहे हो ना, स्टार्ट किया हम लोगों ने ट्रायंगल से, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एंगल में है, जहाँ पे एंगल में है अपोजिट साइड ऑफ लाइट डार्कनेस। तो डार्क हम लोगों ने कर लिया। ये डार्कनेस देने के बाद ना इवन होना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे बाउंस लाइट होगा ना वहाँ पे थोड़ा ब्राइट रखना है, ये कुछ करना है। अब ये जो अभी पोर्शन है ना जहाँ पे हम लोग शेड कर रहे हैं एकदम लाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट करने के बाद ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करके फिर हम लोग आ जाते हैं क्यूब पे। क्यूब जो अभी बना रहे हैं ना वो पोर्शन, वो भी शेडो एरिया में आता है। तो लेकिन फिर भी कंपेयर टू ट्रायंगल जो बनाया था हम लोगों ने, ट्रायंगल जो था ना और ज़्यादा शेडो एरिया में था, तो डार्कनेस ज़्यादा थी, लेकिन ये थोड़ा लाइट के कॉन्टैक्ट में भी है ना, तो इसको हम
डार्कनेस रखेंगे लेकिन कम रखेंगे। यहाँ पे ना फ्लोर से बाउंस भी हो रहा है, तो ये आप देखना ज़रूर कि जहाँ पे आप देख रहे हो ना कि सेंटर में ना क्यूब के वहाँ पे लाइट ज़्यादा है। क्यों लाइट है? क्योंकि फ्लोर से ना ऊपर की तरफ लाइट बाउंस हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग देने वाले हैं। ये सब कुछ लॉजिक है, कोई भी अपने मन से बनाई हुई चीज़ें नहीं है, ये सब फिजिक्स है। फिजिक्स के बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है ना उसको आपको करना है, क्योंकि जहाँ पे लाइट, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये चीज़ों को ना आप अपने घर में लाइट ऑन करके या फिर सनलाइट में भी प्लेस करके ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो देख सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे जहाँ पे भी है ना वहाँ पे हम बिल्कुल ही ब्लेंड कर दिया हम लोगों ने पेंसिल यूज़ करने के बाद। पेंसिल बिल्कुल ही कम यूज़ करना है आपको, जहाँ पे ब्राइटनेस रखना है क्योंकि वो लाइट हिट वहाँ पे ज़्यादा कर रही है। अब स्टार्ट कर देते हैं स्फेयर से। स्फेयर में सबसे पहले शेडो रखा, और जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है ना कॉन्टैक्ट डार्कनेस ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे की तरफ जाते हैं थोड़ा सा फेड रखते हैं। ये करने के बाद अभी पहुँच जाते हैं स्फेयर पे, और बिल्कुल ही जैसा शेप है उस तरीके से ही आपको शेड करनी है। बिल्कुल ही सर्कुलर ऑब्जेक्ट में सर्कुलर शेडिंग हमें चाहिए, फ्लो वैसा ही होनी चाहिए। फ्लो देने के बाद फिर हम लोग मेकअप ब्रश से उसको ब्लेंड कर लेंगे, और जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे ना उसको ऊपर की तरफ कंप्लीट ब्लेंड कर दिया। और ब्लेंड करने के बाद जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को स्टैंड आउट देने के लिए ना उसके जस्ट पीछे बैकग्राउंड को हमें थोड़ा डार्क करना पड़ता है, तभी वो फोकस में आएगा। ये आप हमेशा ही ध्यान रखना, कॉन्ट्रास्ट इसको ही कहते हैं। अब यहाँ पे शेडो हम लोगों ने प्लेस कर लिया। शेडो प्लेस करने के बाद अब बारी आ जाती है स्फेयर की। स्फेयर को डिटेल देंगे हम लोग, और क्योंकि हम लोगों ने ब्रश यूज़ किया पूरे थ्रू आउट इमेज पे, तो वहाँ पे जो हाईलाइट है और जो डार्कनेस है ना वो शफल होती है। तो शफल करने के बाद हम वापस से उसको डिटेल देते हैं। आपके पास अगर पेन इरेजर हो ना तो उससे आप हाईलाइट दे सकते हो। बॉल में जहाँ पे हिट कर रही है लाइट वहाँ पे हम लोगों ने ब्राइट किया, वही सेम चीज़ें तीनों ऑब्जेक्ट पे हम लोगों ने किया। इनफैक्ट फ्लोर पे भी किया है क्योंकि लाइट हिट वहाँ पे भी कर रही है, और वहाँ पे हल्के हल्के जो आप देख रहे हो ना बाउंस लाइट है वो हम लोगों ने दिए। ऐसा नहीं है कि बाउंस लाइट फ्लोर पे नहीं आ सकता, बाउंस लाइट फ्लोर पे भी आ सकती है क्योंकि लाइट हिट कर रही है आपके स्क्वायर ऑब्जेक्ट पे और वो उसके बाद रिफ्लेक्ट करे नीचे। तो यहाँ पे एकदम शार्पनेस जो है ना हम लोगों ने दे दिया, और यहाँ पे हो चुका है हमारा कंप्लीट ड्राइंग। अब आप लोग कह सकते हो कि ये आसान है, तो प्लीज़ बनाइए और मुझे शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।